नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ स्मिता उपाध्याय। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में सियासत तेज हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने पलटवार किया है। रवि किशन ने कहा कि ओवैसी योगी आदित्यनाथ को छू कर भी दिखाएं वो पैदल हैदराबाद वापस जाएंगे। इस बार यूपी चुनाव में ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पिछले दिनों एक टीवी चैनल में डिबेट के दौरान ओवैसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अगले साल सत्ता से बाहर करने की चुनौती दी थी। ओवैसी की चुनौती का जवाब देते हुए भोजपुरी अभिनेता रवि किशन ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, ओवैसी जी ने महाराज जी को टीवी चैनल पर चैलेंज किया। ओवैसी साहब, सदन में भी आपसे अक्सर मुलाकात होती है और आपसे मेरी वार्तालाप भी हुई है एक दो बार। 19 से फिर सदन है, फिर बोलूंगा वहां। ओवैसी साहब, वो जो आपने महाराज जी को अपने सबके सामने चैलेंज दिया है कि योगी जी को हरा दूंगा, सुन लो ओवैसी साहब, 24 करोड़ की जनता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हिंदू युवा वाहिनी का संगठन आपका ये चैलेंज स्वीकार करता है। आप महाराज जी को हराएंगे क्या? छू कर तो दिखाओ, पैदल हैदराबाद जाओगे। बीजेपी सांसद ने सहजनवा में एक कार्यक्रम में कहा, सीएम योगी आदित्यनाथ ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं और वे रोज 2.5 घंटे आरती करने वाले सन्यासी हैं। असदुद्दीन ओवैसी, आप उनके तेज से ही नष्ट हो जाओगे। असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती देते हुए कहा था कि वो 2022 में उन्हें सीएम नहीं बनने देंगे। ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर और बाबू सिंह कुशवाहा के भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे आज की खबर।